सीधे रास्ते की टेढ़ी ये चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम करेंगे उस बात की पड़ताल, उस विषय को लेकर के, जिस विषय को लेकर के पूरे हरिद्वार में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर 60 करोड़ का घोटाला गबन हुआ कैसे। 253 काम दिखाए गए, वो दिखाया गया कि ये कार्य 18 तारीख को प्रस्तावित हुए हैं। जब सूचना के अधिकार में कुछ पेपर मिले तो उनमें ऐसा नहीं था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने लगाया आरोप वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर कि 60 करोड़ का गबन हुआ है, ये आरोप लगे। अब इस आरोप की जांच पड़ताल जब तक नहीं होगी तब तक आप कैसे इस बात को श्योर करेंगे कि वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने तो आरोप लगा दिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए तो हमने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने की कोशिश की और फिर पाया कुछ ऐसे तथ्य जो तथ्य आपके सामने होने चाहिए। और तथ्यों को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको याद रखने हैं दो डेट यानी कि दो तारीख आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहली तारीख है 18 अक्टूबर, मैं फिर से कह रहा हूं, पहली जरूरत है आपके लिए 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर का वह दिन जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसी दिन बोर्ड की पहली बैठक हुई, और दूसरा आपको याद रखना है दूसरी बोर्ड बैठक हुई है 19 तारीख को। यह दो डेट्स इस पूरे डिस्कशन के दौरान आपको समझना है, इन दो डेट्स को समझिए, 19 नवंबर और 18 अक्टूबर। दूसरी बोर्ड बैठक हुई 19 नवंबर को, पहली बोर्ड बैठक हुई 18 अक्टूबर को। ये दो बोर्ड बैठक से संबंधित ही पूरा ये माजरा है। इन्हीं दो बोर्ड बैठकों की जिक्र करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मामला गड़बड़ क्या है। जो गोलमाल वाला शब्द निकल करके आ रहा है, आखिर वो गोलमाल है क्या? तो आइए शुरू करते हैं कि 18 अक्टूबर का दिन जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसी दिन एक बोर्ड बैठक होती है और बोर्ड बैठक की कार्रवाई यहां पर उपलब्ध है। उस कार्रवाई में प्रस्ताव संख्या 2 है जिसके अंदर यह मेंशन किया गया है कि सभी माननीय सम्मानित सदस्यों से अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। यह कहा गया कि आप अभी अपने अपने क्षेत्र के जो भी प्रस्ताव हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी निर्माण कार्य करना है उसके लिए प्रस्ताव लेकर के आ जाइए, और यह प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब देखते हैं आगे। इसमें उस दिन लिखा गया है कि जिला पंचायत की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के प्रस्ताव संख्या 2 के अंतर्गत। प्रस्ताव संख्या 2 कौन सी है? यह प्रस्ताव संख्या 2, प्रस्ताव संख्या 2 यहां पर है। इस प्रस्ताव संख्या 2 के अंतर्गत पारित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कराए जाने हेतु कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा आगणन गठित कर प्रस्तुत किए गए हैं, उसकी जिसकी निविदा आमंत्रित की जानी है। प्राप्त आगणनों का विवरण निम्नवत है। यानी कि उस दिन यह प्रस्ताव आए और उसी दिन यह प्रस्ताव पारित हो गए अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। अब हम इसी डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हैं दोस्तों, जो कहा गया। हालांकि यह चीज सोचने वाली बात है, अगर हम आपको नेक्स्ट लेकर चले, ये टोटल ये नंबर देखिए, पूरे प्रस्ताव हैं, ये पूरे नंबर जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, यह 256 प्रस्ताव हैं जो पारित हो गए हैं। अब एक सवाल, क्या ऐसा संभव है कि बोर्ड बैठक पहली बोर्ड बैठक हो रही हो और उसी बोर्ड बैठक में 256 प्रस्ताव आ जाएं और उन 256 प्रस्तावों के रेट्स भी तय कर दिए जाएं, अमाउंट भी तय कर दिया जाए और उसी दिन पारित भी हो जाए? यह सवाल आम जनता से है कि आप लोग सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि जो मीटिंग शपथ ग्रहण समारोह के बाद होती। यह सवाल आम जनता से है कि आप लोग सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि जो मीटिंग शपथ ग्रहण समारोह के बाद होती है उसी दिन प्रस्ताव आते हैं और उसी दिन उस प्रस्तावों पर चर्चा होकर के उन प्रस्तावों को पारित भी कर दिया जाता है, उन प्रस्तावों की जो अनुमानित जो लागत है वह भी तय हो जाती है और सब कुछ डिसाइड हो जाता है। यह कैसे संभव हो सकता है? खैर, हो सकता है इतना फास्ट काम किया गया हो, लेकिन इस फास्ट काम करने के चलते कुछ ऐसे आपको तथ्य नजर आएंगे जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, आते हैं नेक्स्ट, दूसरी बैठक की मैं बात करता हूं, तथ्यों पर जाएंगे। ये दो बैठक को समझ लीजिए अच्छे से। पहले बैठक में 256 प्रस्ताव पारित, दूसरे बैठक होनी है 19 नवंबर को। 18 अक्टूबर को पहला बोर्ड बैठक, दूसरी बोर्ड बैठक 19 नवंबर को, यानी ठीक एक महीने बाद। यहां पर मेंशन है जो कि 17/11/2022 का ये लेटर साइन किया गया, यहां पर 17 अक्टूबर मेंशन है, लेकिन आप मान लीजिए, आप इसको देखिए, 17 नवंबर को यह लेटर होता है। इसमें लिखा गया है कि अभियंता दिनांक 19/11/2022 की
जिला पंचायत की बैठक में अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। अब ये जो प्रस्ताव है, इन प्रस्तावों को 19 नवंबर को यानी दूसरी बैठक जब होनी है उस बैठक में इन प्रस्तावों को पारित किया जाना है। एकदम सही बात, यहां तक बिल्कुल स्टोरी सही आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज व्हाट, ये बड़ा क्वेश्चन ही है दोस्तों। यह सोचने वाली बात है कि इसमें 19 से लेकर के 34 तक, ये देखिए हमने हाईलाइट किया हुआ है, इस 19 से लेकर के 34 तक का जो प्रस्ताव है वो पहली बैठक में ही पारित हो चुका है। गोलमाल है ना, समझ में आई बात आपको। अब हम एविडेंस की बात करते हैं, सबूतों की बात करते हैं। द न्यूज ऑन नेटवर्क बिना तथ्यों की बात तो कुछ करेगा नहीं, आपको बताता हूं मैं। सबसे पहली बात, इसमें जो दूसरी बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं वो प्रस्ताव जिसमें से 19 से लेकर के 34 तक की जो संख्या का जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव ऑलरेडी 18 अक्टूबर वाले पहले दिन में पारित हो चुके हैं। तो दूसरे वाले में क्या ये धोखा है, क्या है मामला, क्या इस बात को समझिए। अब आप कहेंगे इसका सबूत कहां है, तो आइए सबूत की बात करते हैं, हम आपको सबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आया, इधर लिस्ट है 18 अक्टूबर के दिन पारित हुए जो कार्यक्रम है, जो पारित हुए जो जितने 18 अक्टूबर को, देखिए 18 अक्टूबर ये 22 को जिस दिन ये सारे पारित हुए थे वो लेटर है जो हमने आपको पहले दिखाया, और दूसरी तरफ ये एक लेटर है जिस लेटर को मोनिका चौहान जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं इनकी तरफ से एक लेटर आता है। लेटर में मेंशन है कि ग्राम चांदपुर फेरूपुर में धर्म सिंह सैनी मास्टर जी के खेत अमरनाथ जी के खेत तक खड़ंजा निर्माण। देखिए यहां पर हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसको आप पढ़िए। तो यहां पर ही खड़ंजा निर्माण होना है। अब सवाल आती है कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें अगर आप जाएंगे तो देखिए यहां पर मेंशन है 96 नंबर। ये 96 नंबर पर अगर आप जाएंगे 18 अक्टूबर की प्रोसीडिंग में, 18 अक्टूबर का जो बोर्ड बैठक था ये उसी दिन पारित हो चुका है। देखिए यहां पर मेंशन है 96 में, ग्राम चांदपुर फेरूपुर में धर्म सिंह सैनी मास्टर जी के खेत से अमरनाथ के खेत तक खड़ंजा निर्माण। लागत बता रहा हूं आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000 10,00,000 10,00,000 रुपए का ये खड़ंजा निर्माण होना है। अब सोचने वाली बात है ये आया कब, अपडेट्स को समझिए। 18 नवंबर 2022 को एक प्रस्ताव आता है जो प्रस्ताव ऑलरेडी 18 अक्टूबर को पास हो चुका है। मतलब ये कैसे पहले ही दिन, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, आखिर ये पहले ही दिन 18 अक्टूबर जिस दिन पहली बोर्ड बैठक होती है, आखिर उन सभी बोर्ड को इस बात का कैसे पता था कि आगे आने वाला जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव वही होगा, है ना सवाल, कि जो प्रस्ताव आ रहा है 18 नवंबर को वो प्रस्ताव 18 अक्टूबर को पास कैसे हो गया, एक महीना पहले वो प्रस्ताव पास हो गया, ये कैसे संभव है दोस्तों। अब आते हैं इसी तरीके की, एक नहीं इसी तरीके की आपको कई गड़बड़ियां दिखेंगी, कई ऐसे झोल दिखेंगे, तभी मैं कह रहा हूं कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आइए अब हम आते हैं दूसरी तरफ, बिमलेश देवी जी है, 9 नवंबर लिखा हुआ है। हालांकि ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे अच्छे ध्यान से तो एक था, एक को फिर जीरो बनाने की कोशिश की गई, फिर भी आप इसको 9 मान लीजिए, चलिए जो भी कुछ कोई दिक्कत है। 9 नवंबर 2022 अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये 9 नवंबर है, अगर आप मान लेते हैं कि 9 नवंबर है तो आप इस बात को सोचिए कि रावली महदूद महादेवपुरम फेज प्रथम में, अब आप पढ़ना इस चीज को, प्रथम में उर्मिला मेडिकल के सामने से पुलिया नाथराम जी, ये पूरा मेंशन है। यही सेम चीज जब हमने 18 अक्टूबर को प्रस्ताव जो पारित था फिर चेक किया, वहां पर सेम चीज देखिए, ग्राम रावली महदूद के महादेवपुरम फेज वन में उर्मिला मेडिकल के सामने से पुलिया से नाथराम जी राजेंद्र चमोली जी आदि के घरों की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स जिसकी लागत फिर से 10,00,000 रुपए है ना। मतलब जो प्रस्ताव ही नवंबर में आ रहे हैं वो प्रस्ताव अक्टूबर में पास हो गए, क्या है मतलब, ये सोच करके देखिए ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे जिला पंचायत को इस बात का पता है कि हमारे सदस्य आगे आने वाले महीनों में ये प्रस्ताव देने वाले हैं, समझ रहे हैं आप, एक महीने बाद जो प्रस्ताव आने वाले हैं वो प्रस्ताव जिला पंचायत ने पहले ही पारित कर दिए, या ऐसी कौन सी सेटिंग है भाई, इस बात को समझिए जरा। डेट्स की बात कर रहे हैं, ये वो एविडेंस है, ये वो कागज है जो कागज ऑलरेडी जिला पंचायत हरिद्वार ने
आरटीआई के थ्रू दिया है। आइए और आते हैं नेक्स्ट। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। देखिए ये सविता देवी की तरफ से एक है, ये 29 नवंबर का लेटर है, यानी 29 नवंबर को ये प्रस्ताव आए हैं। और मैंने फिर से बताया था आपको, दो अभी तक बोर्ड बैठक हुई है, 18 अक्टूबर और 19 नवंबर, और ये 29 नवंबर को प्रस्ताव आ रहे हैं। सोच करके देखिए, 29 नवंबर को, यहां पर डेट से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन नीचे वाले डेट्स को चेंज नहीं किया गया फिलहाल। इस वजह से आप इसको सीधा देख सकते हैं कि सीधा मेंशन है 29 नवंबर 2022 के दिन यह किया गया। अब इसमें क्या है, साफ तौर पर क्या मेंशन है, एक तरफ है हमारा 18 अक्टूबर को पारित हुए, ये क्या 18 अक्टूबर का, ये वो जो पूरा पारित हुआ है प्रस्ताव, ये प्रस्ताव की लिस्ट है, उन्हीं लिस्ट को हम देख रहे हैं। और हमारे पास एक और एक लेटर मिला, जिस लेटर पर मेंशन है 29 नवंबर, मैं लिख देता हूं 29 नवंबर, ये 29 नवंबर 2022 का लेटर है। 29 नवंबर 2022 के लेटर में जो चीज मेंशन है, देखिए सराय मेन रोड से माता के मंदिर की ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य, यहां पर भी मेंशन है 84 नंबर में ग्राम सराय में मेन रोड से माता मंदिर की ओर निर्माण कार्य। अब सोच करके देखिए, 29 नवंबर के लेटर में जो प्रस्ताव आ रहे हैं, वो प्रस्ताव 18 अक्टूबर 2022 में ही पारित हो चुके हैं। तो ऐसे एक एग्जांपल है, आपको अनेकों एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस उदाहरण से चीज समझ में आती है कि हरिद्वार में जिला पंचायत किस विचारधारा के साथ, किस सोच के साथ काम कर रहा है, कि उसको इस बात का पहले से ही पता है ना, उसको इस बात का पहले से ही पता है कि प्रस्ताव क्या आने वाले हैं, प्रस्ताव क्या आने वाले, या बात इनको पहले से ही पता है। तो जो निर्माण कार्य हो चुके और दोबारा भी अगर हुआ, अगर ये मैं कह रहा हूं कि चलो ये दोबारा इनको प्रस्ताव पारित करने थे, तो दूसरी बोर्ड बैठक कब होनी थी, सेकंड बोर्ड बैठक, मैंने आपको बता दिया 19 नवंबर को, ये है सेकंड बोर्ड बैठक। अब दूसरी बोर्ड बैठक जो होनी है वो सेकेंड नवंबर को, अरे वो 19 नवंबर को होनी है, और ये 19 नवंबर के बाद आया हुआ है। तो सोच करके देखिए ऐसे कितने छेड़खानी हुआ होगा, ये बड़ी चीज है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर जिला पंचायत ने किस तरीके से काम किया है। आपके पास प्रस्ताव आए बाद में, लेकिन हमने आज पारित कर दिया, यही सवाल है जो आपको समझने वाली चीजें हैं। ये मुद्दों को समझना आप लोग के लिए अत्यंत ही जरूरी है। अब आते हैं, एक मामला तो हो गया पूरा प्रस्ताव लेना, प्रस्ताव देना और प्रस्ताव को पारित करने की कहानी में जो पूरा झोल दिखा वो आपके सामने है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये है कि आखिर टेंडर जो निकाला गया होगा, टेंडर की एक तिथि होती है, एक डेट होता है, वो डेट जो है कहीं ना कहीं किसी बेसिस पर निकाला जाएगा। तो अगर आप इसमें भी जांच पड़ताल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो प्रस्ताव आए हैं बाद में, वो प्रस्ताव पहले ही अगर प्रकाशित हो गए हैं तो किस बेसिस पर प्रकाशित हुए हैं। खैर, अब इस चीज को समझिए आप। 16 नवंबर 2022 का यह अखबार दैनिक हॉग, यहां पर देखिए ये इंफॉर्मेशन आई है, यहां पर पेज नंबर 9 है, ये पेज नंबर 9 पर ये छपा। हमने क्या किया, हमने एक्यूरेट जो एक्चुअल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के हमने उसको पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश की, हमने उसको जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो वहां से आप वहां पर जा सकते हैं। कैसे आप जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, जो वेबसाइट है वो ये है, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये वेबसाइट पे आप जा करके आप देख सकते हैं। जैसे इसमें सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं, सारे आप अखबार जो है पुराने अखबार ई पेपर आप देख सकते हैं। ई पेपर में अब जाहिर सी बात है जो अखबार छपा है, जो अखबार की लिस्ट, जो अखबार की डिटेल जिला पंचायत ने दी है, वो अखबार जो छपा है उस अखबार को आप जांच पड़ताल कीजिए। आप अगर आपके देखेंगे तो इसमें देखिए, ओहो ये देखिए, अब ये हमारे पास कल अवेलेबल है, कल हमने डाउनलोड किया, लेकिन आज देखिए आप, ये 31 दिसंबर 2022 तक का जो डेटा है वो फिलहाल अभी एक्सेसिबल नहीं है, अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो क्यों अवेलेबल नहीं है, इसकी जानकारी मैं समझता हूं कि जो साइबर सेल है वो ले सकता है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है, डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। फिलहाल अभी तक अवेलेबल था, अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमारे पास इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे
ठीक है, बहुत से लोगों के पास यह ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, इस डेट्स की अवेलेबल हैं, इस चीज को आप देखिए। अगर आप दैनिक हॉक में जाएंगे, दैनिक हॉक के उस पेज पे जाएंगे, अब हम आपको उसको दिखाते हैं। पेज नंबर 9 था, आप पेज नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए ये पेज नंबर 9 है, देखिए पेज नंबर 9 है, आपको साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि ये पेज नंबर 9 है। देखिए पेज नंबर 9 दिख रहा है आपको, यहां पर पेज दिख रहा है, ये पेज 9 है। और पेज नंबर 9 पर ठीक नीचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा राजनीतिक अस्थिरता की कहानी दोहरा सकती है भाजपा, यानी कि यहां पर ये अवेलेबल नहीं है। और मैं यहां तक ही नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर आप चाहें तो इस पूरे अखबार को टटोल सकते हैं, कहीं भी वह जो दिखाया गया है जिला पंचायत की तरफ से कि हमने एडवर्टाइज किया था, वो एडवर्टाइज भी आपको यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसे, आपको अवेलेबल नहीं है, मिलेगा ही नहीं। खैर अब ये मिलेगा नहीं, इसके पीछे का दोषी कौन है ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तय करेंगे। मेरा काम है आप लोग को इस बात को समझाना कि जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं आखिर उसकी स्थिति वास्तव में क्या है। दूसरी तरफ हम आते हैं फिर से उस कहानी पर जो कहानी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आखिर ये जिला पंचायत में काम हुए हैं। अब आप देखिए यहां पर सेम खबर है, देखिए यहां पर सेम खबर है, इस खबर पर जाएंगे लेकिन यहां पर कुछ और है और यहां पर कुछ और है, इसके बगल में सारी चीजें सेम, अखबार सेम है। 8 दिसंबर में भी ये प्रकाशित किया गया था एक टेंडर जिसमें जिला का ये जो कुछ चेंजेस करने थे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित किया श्रद्धा सुमन, यह प्रमाणित प्रति है जो ऑलरेडी जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी ने उपलब्ध कराई। लेकिन जब आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो वहां पर, और ओरिजिनल मतलब जो इंटरनेट पर ईपीडीएफ के रूप में अवेलेबल है, ये उससे लिया गया सोर्स, ये उसके इंफॉर्मेशन है, वहां पर आप देखेंगे तो यह चीज यहां पर अवेलेबल नहीं है। देखिए आप देखिए, यह सूचना है कि अधिकार के तहत मांगा गया कॉपी है, इस कॉपी में जो चीजें हैं वो यहां पर खबर है, लेकिन जब आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो देखिए ये दोनों खबर सेम है लेकिन यहां पर इस खबर को दोबारा ही चिपका दिया गया। वाह, सोच करके देखिए। और अगर आप इसके ओरिजिनल पीडीएफ को देखेंगे तो ओरिजिनल पीडीएफ में आपको सेम यही चीज, हमने कहा आपको आपसे कि अभी वो एक्सेसिबल नहीं है लेकिन ओरिजिनल पीडीएफ में आपको यही चीज मिलेगी जो पीडीएफ ऑलरेडी इस वेबसाइट पर अवेलेबल थी। तो दोस्तों अब सोच करके देखिए कि आखिर जिला पंचायत हरिद्वार क्या फर्जी अखबार निकाल रहा है, क्या फर्जी अखबार निकाल रहा है जिला पंचायत हरिद्वार या ये ओरिजिनल अखबार है? ओरिजिनल अखबार कौन सा है यह जांच पड़ताल का विषय है। जो इंटरनेट पर अवेलेबल था ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर, क्या वो ओरिजिनल है या जो जिला पंचायत ने अपना अखबार निकाला होगा क्या, यह सोचने वाली बात है। साजिश आखिर कर कौन रहा है, क्या अखबार साजिश कर रहा है या जिला पंचायत साजिश कर रहा है? लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि ये चीजें आपको एक जगह नहीं, आपको कई जगह देखने को मिलेंगी। तिथियां बदली हुई हैं और जिन तिथियों पर एडवर्टाइज किया गया वो पेपर नहीं है, और जो प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुके हैं वो प्रस्ताव आ रहे हैं बहुत ही बाद में। लेकिन ये पूरा जो मुद्दा है, इस चीज को आप समझिए और सोच करके देखिए कि आखिर जिला पंचायत में इस तरीके से कितने घोटाले हुए हो सकते हैं और कितनी बड़ी ये धांधली हो सकती है। आरोप लगाया जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जहां धामी सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हम 0% टॉलरेंस की सरकार है और 0% टॉलरेंस के लिए भ्रष्टाचार को लेकर के खासतौर पर हम खड़े हैं, तो क्या धामी सरकार, क्या धामी जी, क्या इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी इस चीज को लेकर कोई एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं, या इन तथ्यों को छुपाने या उसको इधर से उधर मिस करने का काम किया जाएगा, क्या किया जाएगा पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।